प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम माटी वाली कहानी पढ़ रहे थे विद्यासागर नौटियाल की, कक्षा नवी की, जो कृति का बुक है, किताब है, उसकी कहानी है विद्यासागर नौटियाल की माटी वाली पार्ट चार, इसका भाग दो आज हम पढ़ेंगे। माटी वाली कहानी विद्यासागर नौटियाल द्वारा रचित है और इस कहानी के द्वारा लेखक ने समाज में जो विस्थापन की समस्या है उसको दर्शाया गया है, वर्णित किया गया है। विस्थापन क्या होता है तो यहाँ पर विस्थापन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के रहना, किसी समस्या के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के रहना, अपने मूल स्थान को छोड़ करके। तो यहाँ पर विस्थापन की समस्या दो प्रकार से उत्पन्न होती है। एक तो प्राकृतिक आपदा के आ जाने पर, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गई, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गए और वहाँ से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है अपने मूल स्थान को छोड़ करके, तो यह है। और दूसरी है मानवीकृत समस्या यानी मानव के द्वारा उत्पन्न की गई समस्या, जैसे कि औद्योगिकरण है। शहरों में अधिकतर उद्योग धंधों, फैक्ट्रियों, इनका निर्माण होता है और जो गरीब तबके के लोग होते हैं, गरीब वर्ग के जो लोग होते हैं, उनकी अपने खुद की ज़मीन जायदाद नहीं होती है। वो कहीं पर भी अपना मकान बना लेते हैं, फिर उनके जो झुग्गी झोंपड़ियाँ बनी रहती है जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको तोड़ दिया जाता है। वहाँ पर उद्योग धंधे और फैक्ट्रियाँ, कल कारखाने स्थापित कर दिए जाते हैं। तो यह मानवीकृत समस्या है। तो यहाँ पर प्राकृतिक आपदा और मानवीकृत समस्या के बारे में बताया गया है कि ऐसे ही इस कहानी में बताया है कि टिहरी शहर जो उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर, जो नदी है उस पर टिहरी शहर में टिहरी बांध बनाया गया है। बिलांगना और भागीरथी दो नदियाँ वहाँ पर, यहाँ उत्तराखंड के जो टिहरी शहर है उसी शहर का वर्णन लेखक ने किया है। वहाँ नाटे कदवाली एक हरिजन बुढ़िया है इस कहानी में, और जो घर घर जाकर टिहरी के लोगों को लाल मिट्टी बेचती है, लोग उसको पहचानते हैं। टिहरी शहर के प्रत्येक घर के मूल निवासी, वर्षों से वहाँ रहने वाले किराएदार, बच्चे, सभी उसके जो मिट्टी से उसका कनस्तर भरा रहता है, बर्तन जिसमें मिट्टी रखी जाती है, उसे और उस बुढ़िया को पहचानते हैं। जहाँ तक वो मिट्टी देने नहीं जाती है, कोई अपने चूल्हे चौके को करता भी नहीं है। और हमारी भारतीय संस्कृति में यह रिवाज है कि घर में लाल मिट्टी हो और जो कच्चे घर होते हैं उनकी लिपाई लाल मिट्टी से की जाती है। फिर उसे उस बुढ़िया को कहीं से दो रोटी मिल जाती है, जहाँ वो लाल मिट्टी रखती है, रोटी को कपड़े में लपेटती है और अपने बूढ़े के लिए लेकर आने की सोचती है। उसका एक वृद्ध पति होता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, आगे इस कहानी का आगे भाग दो हम पढ़ेंगे। माटी वाली के पास, माटी यानी मिट्टी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे समय के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज़ निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन यानी जल्दी से अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े को, मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला। देखिए, जो डिल्ला शब्द है ना, ये गद्दीदार कपड़ा जो होता है उसको लपेट करके गद्दीदार इंडोनी बनाई जाती है जिसके ऊपर वजन रखा जाता है। तो कहीं से उसे रोटी मिली, उसने उस इंडोनी के कपड़े को, मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला
और उसे सीधा कर दिया, फिर इकरा किया। खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ, जो जिस पर हरिजन बुढ़िया वजन रखती थी मिट्टी लाते समय। उस गद्दीदार कपड़े को उस बुढ़िया ने खोल लिया, क्योंकि उसे कहीं पर मिट्टी डालने के लिए बुलाया गया था। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी दो रोटियों में से, थामी यानी पकड़ी हुई दो रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया, यानी जहाँ बुढ़िया हरिजन बुढ़िया मिट्टी बेचने जाती थी, वहाँ उस घर की मालकिन ने उस बुढ़िया को दो रोटी दी है, जिसे वो उस कपड़े में लपेटती है और अपना मुंह चलाती है, जिसे प्रकट हो सके कि वो उन रोटियों को खा रही है। ले सद्दा बासी साग कुछ है नहीं, अभी इसी चाय के साथ निगल जा। मालकिन उस हरिजन बुढ़िया को एक गिलास में चाय देती है और कहती है कि सब्जी तो अभी है नहीं, इस चाय से ही रोटी खा ले। माटी वाले ने खुले कपड़े के एक छोर यानी किनारे से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गरम गिलास हाथ में उठा लिया। होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू शुरू में उसके अंदर रखी गरम चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी, यानी पीने लगी। चाय आप भी पीते हैं और देखते हैं किस प्रकार से चाय पीते समय आवाज़ आती है। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। यह पंक्ति या यह वाक्य किसने किसके लिए कहा है, ध्यान दीजिएगा। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी, यानी जो हरिजन बुढ़िया है वो मालकिन से कहती है। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बन रहा है, भूख मीठी की भोजन मीठा। वाक्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए, कैसे? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर भूख लगी हो तो खराब से खराब बेकार से बेकार भोजन भी हमें अच्छा लगता है, चाहे दो दिन का बासी खाना हो और भूख लगी हो और खाने को कुछ नहीं मिले तो वो खाना भी हमें स्वादिष्ट लगता है, अच्छा लगता है। और अगर हमें भूख नहीं है तो चाहे कितना भी स्वादिष्ट खाना हो, भोजन हो, वह हमें अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि भूख मीठी कि भोजन मीठा, अर्थात अगर भूख लगी हो तो भोजन अच्छा स्वादिष्ट लगता है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं? पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। इनके खरीददार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए और पुरखों की गाड़ी कमाई से। यहाँ पर देखिएगा, ये जो लाइनें भूख मीठी की भोजन मीठा, इसका अर्थ आप अच्छे से समझ लीजिएगा क्या होता है। ये यहाँ पर भूख मीठी की भोजन मीठा कि प्रश्न है आपके, कि जिस प्रकार जैसे अगर भूख नहीं लगी हो तो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी हमें अच्छा नहीं लगता है, और अगर हमें भूख लगी हो तो बेकार से बेकार भोजन भी हमें अच्छा लगता है, क्योंकि भूख मीठी होती है भोजन नहीं। भूख पर भोजन निर्भर करता है कि हमें भूख है या नहीं। तो यहाँ पर अगर भूख है तो भोजन भी हमें अच्छा लगेगा, चाहे कैसा भी हो। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं? पूरे बाज़ार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास।
इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाड़ी कमाई से, पुरखों यानी पूर्वजों, ये पुरखों का अर्थ होता है पूर्वजों से जो हमें मिलता है। चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता, यानी बिल्कुल कम मूल्य में बेचना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन महसूस कर यानी इच्छाओं को दबाकर दो दो पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी। उन्होंने ये तमाम चीज़ें जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाज़ार में जाकर पीतल का भाव पूछो ज़रा यानी थोड़ा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव यानी बहुत कम रुपयों में इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम यानी संपूर्ण बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए सब घरों से। अब स्टील के और इनके ही बर्तन सबके घरों में देखने को मिलते हैं। जो पीतल के कांसे के बर्तन होते हैं वो अधिक महंगे बिकते हैं। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग, अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के बर्तन दिखाई देते हैं या फिर कांच और मिट्टी के बर्तन दिखाई देते हैं। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएं। ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक है वो तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। ये हरिजन बुढ़िया जो है वहाँ टिहरी बांध बना हुआ है, टिहरी शहर में से थोड़ा दूर, तो वहाँ पर टिहरी बांध की दो सुरंगें बंद हो गई थी और उससे पानी की समस्या उत्पन्न हो गई थी, पानी भर गया था तो कई बस्तियां जलमग्न हो गई थी, डूब गई थी। जो पैसे वाले हैं, ज़मीन जायदाद वाले हैं यानी हरिजन बुढ़िया, मालकिन से कहती है जहाँ पर वो मिट्टी लेकर जाती है उससे कि जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं पर भी चले जाएंगे, अपना ठिकाना बना लेंगे, पर मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। चाय खत्म करके माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया और दूसरे हाथ में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर यानी उस घर से खोली यानी घर से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी लेकर आने के आदेश के साथ उसे दो रोटियां मिल गई, यानी जिस घर में वो गई वहां पर भी उसे दो रोटियां हरिजन बुढ़िया को मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे किनारे में बांध लिया। लोग जाने तो जाने की ये रोटी अपने बुड्ढे के लिए लेकर जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त यानी कमज़ोर जो बूढ़ा है वो कातर नज़रों से उसकी ओर, तिरछी दृष्टि से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है। आज वह घर पहुँचते ही तीन रोटियां अपने बुड्ढे के हवाले कर देगी यानी अपने बुड्ढे को देगी और रोटियों को देखते ही बुड्ढे का चेहरा खिल उठेगा अर्थात बुड्ढा प्रसन्न हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बुढ़िया है हरिजन बुढ़िया वो कहीं से जहाँ पर वो मिट्टी डालने जाती है, शहर में घूम घूम करके मिट्टी बेचती है, वहाँ उसे दो घरों से दो दो रोटियाँ मिलती है और कल्पना करती हुई वो जाती है कि किस प्रकार से जो रोटियां मिली है वो स्वयं भी खाएगी और अपने कमज़ोर पति को भी खिलाएगी। ऐसा सोचते हुए वो घर जाती है और उसका चेहरा देखते ही बुड्ढा जो है प्रसन्न हो जाता है, बुड्ढे का चेहरा खिल उठता है और साथ में ऐसा ही बोल देगी कि साग तो कुछ है नहीं अभी, ऐसी वो कल्पना कर रही है, सोच रही है, अभी घर नहीं पहुंची है, और तब उसे जवाब नहीं देगा
भूख मिट्टी की भोजन मीठा, कि भूख होनी चाहिए तो भोजन स्वादिष्ट लगता है। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चले फिर भी पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खान यानी मिट्टी की खान जो होती है, जहाँ से मिट्टी लाई जाती है। माटा खान में मिट्टी खोदने फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में समय बीत जाता है और घर पहुँचने से पहले ही रात होने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं, झोपड़ी जिसमें वो गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर बनी हुई है। यानी इतनी गरीब है वो बुढ़िया कि उसके पास उसकी स्वयं को घर बनाने के लिए थोड़ी सी जगह या ज़मीन भी नहीं है। ठाकुर की ज़मीन है जिस पर उसने अपनी एक झोपड़ी बनाई हुई है और अपना गुजारा करती है। गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर उसकी झोपड़ी बनी हुई है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी पड़ती है। बेगार यानी बिना वेतन के काम करना पड़ता है। यानी इस कहानी में गरीबी मुख्य समस्या है। किस प्रकार से गरीबी का चित्रण इस कहानी में किया गया है, और दूसरी समस्या है विस्थापन की समस्या। यानी मानव ने कल कारखानों की स्थापना के लिए जो गरीब लोग हैं, जिनको रहने के लिए आवास नहीं है, मकान नहीं है, जिनके पास कुछ जायदाद यानी कमाई का जरिया कुछ है नहीं, किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनकी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। यहाँ पर विस्थापन की समस्याओं को उजागर करना भी इस कहानी का उद्देश्य है, और गरीबी की समस्या को उजागर करना भी इस कहानी का उद्देश्य है। इसका भाग 3 हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।